मैं खुद गया जनता के बीच, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ गया, लोग कह रहे हैं जनता के लिए होना चाहिए, और बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि बेकार स्कीम है, नहीं होनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, या जो भी वो बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके के नेता अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों की, पार्षदों की और महिला संगठन की बैठक बुलाई पार्टी के, और सभी को निर्देश दिया है कि पूरी की पूरी पार्टी पूरी दिल्ली में अलग अलग सभाएं करें और जनता के बीच में इस बात को लेके जाएं कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है, करना योजना बना रही है कि महिलाओं के लिए मेट्रो और बसेज में टिकट फ्री होना चाहिए, और बीजेपी इसका विरोध कर रही है, वो कह रही है कि ये नहीं होना चाहिए। तो बस दो ही सवाल लेके जनता के बीच में जाएंगे, और पूरी दिल्ली में अगले कुछ दिन में 1000 छोटी छोटी सभाएं करके सभी विधायक, सभी पार्षद, सभी महिला संगठन के पदाधिकारी, सभी को 10-10 कम से कम 10-10 सभाएं करने का टारगेट दिया है सीएम साहब ने, और सभी लोग 10-10 सभाएं करके उसका आउटपुट एक हफ्ते के अंदर लेके आएंगे, जनता क्या सोच रही है, जनता के बीच में क्या रहा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और हमारा पूरा भरोसा है कि इससे सिर्फ महिला सुरक्षा ही नहीं बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा कदम होगा, और जो महिलाएं अभी दूर तक जॉब करने के लिए नहीं जाने का सोचती हैं किराए की वजह से, वो भी दूर इलाकों में जा सकेंगी, इससे इकोनॉमी पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए सरकार इसको करेगी। लेकिन एक बार क्योंकि बीजेपी बार बार इसका विरोध कर रही है, तो दो ही सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं कि जो लोग चाहते हैं महिलाओं के लिए किराया माफ़ होना चाहिए, वो क्यों चाह रहे हैं, उनकी क्या लॉजिक्स हैं, उनकी क्या राय है, और जो बीजेपी इनका विरोध कर रही है, जो लोग बीजेपी से सहमत हैं, उनका क्या उसमें लॉजिक है। सो करीब करीब 1000 से ज़्यादा मीटिंग्स अगले एक सप्ताह में पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी कराएगी, ये आपको सोचना है। हाँ, अगर कुछ कहते हैं, अभी तक मुझे तो नहीं मिले लोग ऐसे नहीं कहने वाले, पर ये जरूर सवाल था कुछ लोगों का कि आप सबके लिए मत करिए, जो लोग ऑफ करना चाहते हैं, तो वो तो सीएम साहब ने पहले ही कहा था, जो लोग ऑफ नहीं कर, जो ऑफ करना चाहते हैं, उनको स्कीम का फायदा नहीं लेना, वो महिला नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल, हफ्ते भर में, हफ्ते महिला संगठन जो पार्टी का है वो जाए। सवाल तो वही है कि महिलाओं के लिए किराया माफ़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके क्या, क्योंकि जैसे मैं बसेस में गया तो महिलाओं ने और कई चीज़ें बताई कि इससे ये फ़ायदा होगा, जैसे ये चीज़ निकल के आई, मैंने भी बोला था कि बहुत सारी महिलाएँ मेट्रो अफोर्ड नहीं करती हैं, और अब अगर ये फ्री होगा तो वो मेट्रो में जाना पसंद करेंगे, ऐसे और इसके डायनामिक्स निकल के आएंगे। और जो लोग अगर बीजेपी इसका विरोध कर रही है, बीजेपी का हालांकि कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन क्या जनता में इसका कोई लॉजिक है इसके विरोध का? विधायक और पार्षद सब बड़े खुश हैं, क्योंकि जनता खूब मरवाई है इसको, जल्दी से लोग तो इंतजार। जनता के बीच बिना अनाउंसमेंट के बीच कैसे जाएंगे? जनता के बीच जाएंगे तो अनाउंसमेंट करके जाएंगे ना, तो स्कीम हमने बताया 2 महीने में बनेगी, राइट? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने हर्षवर्धन जी से पूछा है कि अगर आपको लगता है कि आयुष्मान भारत योजना में और भी कोई ऐसी चीज़ है तो वो बताइए, वो भी अल्टीमेट पर्पस, किसी ब्रांड नेम में जाना नहीं है, अल्टीमेट पर्पस है कि दिल्ली के हर नागरिक को बढ़िया से बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले। आज पूरे
देश में पूरे दुनिया में भी बहुत सारे लोग दिल्ली के एजुकेशन हेल्थ मॉडल को देखने आते हैं। उस मॉडल में और आज जैसा मैं लिखा भी था, मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी में भी लिखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो भी मॉडल में हमारे में मान लीजिए कोई ऐसी चीज, आयुष्मान भारत में कोई ऐसी चीज़ है जो दिल्ली के अभी हेल्थ मॉडल में नहीं है, तो हमें बिल्कुल हरगिज भी लेशमात्र भी वो नहीं है गुरेज इसमें कि हम उसको भी अडॉप्ट कर लेंगे। अल्टीमेट पर्पस तो लोगों का इलाज करवाना है, लेकिन जो हम देख रहे हैं मोटे मोटे तौर पे या बहुत गहराई से अध्ययन करके भी, दिल्ली में अगर किसी के पास स्कूटर है, टू व्हीलर है, वो आयुष्मान योजना से बाहर है। दिल्ली में अगर किसी के घर में 10,000 रुपये की इनकम है, 10,000 रुपये की इनकम वाला घर आयुष्मान योजना से बाहर है। दिल्ली में अगर किसी के पास फोन है, वो आदमी योजना से, वो परिवार योजना से बाहर है। दिल्ली में अगर किसी के घर में खाली फ्रिज भी है, ये एंड नहीं है और है कि या तो अगर किसी के घर में फ्रिज भी है, उसका भी आयुष्मान योजना का फायदा नहीं मिलेगा। और ऊपर मिडिल क्लास में है, तीन कमरे का मतलब, ये तो मैंने एकदम, तीन कमरे का अगर आपका घर है तब भी आपको मिडिल, हालांकि फ्रिज में तो वो आ ही गया सारा, लेकिन ये योजना कहती है कि तीन कमरे का घर है तब भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय परिदृश्य में अलग अलग राज्यों में इस योजना के अलग अलग डायनेमिक्स हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में जो दिल्ली का हेल्थ मॉडल है, उस आयुष्मान योजना कहती है साहब अगर आपके घर में स्कूटर है आपको इसका योजना का फायदा नहीं मिलेगा। दिल्ली हेल्थ मॉडल कहता है सारी सबको मिलेगा, आपके घर में कार भी हो तब भी मिलेगा, आपके घर में मर्सिडीज भी हो तब भी आपको इसका फायदा मिलेगा, आप मोहल्ला क्लिनिक में भी जा सकते हैं, आप सरकारी अस्पतालों में भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपके टेस्ट दवाइयाँ फ्री हैं। आपका अगर एक महीने में इलाज नहीं हो पा रहा है, कोई पर्टिकुलर इलाज है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका सरकार फ्री इलाज कराएगी। तो मर्सिडीज से लेके स्कूटर वाले से लेके साइकिल वाले तक सबका व्यवस्था है। आप करें कि सिर्फ उसकी व्यवस्था करेंगे जो जिसके घर में स्कूटर भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है। तो दिल्ली के संदर्भ में इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ करें 10,000 रुपये जिसकी इनकम है, हम कह रहे हैं कि 1,00,000-2,00,000 जिसकी इनकम हो, वो भी किसी की कोई इनकम हो, इनकम लिमिट ही नहीं है। वो कह रहे हैं किसी के घर में अगर फोन है तो इसका इलाज आयुष्मान योजना में नहीं होएगा, हमने फोन जैसी कोई कंडीशन नहीं रखी, हर आम आदमी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, खास आ सकता है। वो कह रहे हैं फ्रिज, हम कह रहे हैं फ्रिज और इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है, आप अगर बीमार हैं और दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली में रहते हैं तो आइए। वो कह रहे हैं तो मतलब कुल मिला के लिमिटेड स्कोप बहुत है इसका आयुष्मान योजना का, और सिर्फ 5,00,000 का कवर है। दिल्ली के मॉडल में कोई लिमिटलेस, देखो स्कोप इज सो वाइड और हर तरह का इलाज फ्री है, सारी दवाइयाँ फ्री हैं, कोई कॉस्ट की लिमिट नहीं है उसके, मतलब 30,00,000 का होगा कि 40,00,000 का होगा। तो उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं आपको लगता है, इसीलिए हर्षवर्धन जी को लिखा है और बहुत पॉजिटिव उसमें लिखा है कि अगर आयुष्मान योजना में कोई और ऐसी चीज़ है जो इस योजना में कवर नहीं है, हमारी दिल्ली की योजना बहुत वाइड है, आप लिमिटेड क्यों करना चाहते हैं कि जिनके घर, मतलब ऐसे कितने घर होंगे, परिवार होंगे जिनके घर में फ्रिज नहीं है या फोन भी नहीं है, 10,000 रुपये से कम इनकम है, मतलब तो बहुत ही लिमिटेड करते चले जाइए, फिर आप कहिए कि बस इनको आयुष्मान योजना का फायदा देंगे। हम उसको दे ही रहे हैं पहले से, जिसके घर में मान लीजिए सारी चीज़ें नहीं है, दिल्ली का हेल्थ मॉडल उसको पहले से फायदा दे रहा है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं है उसमें, पर फिर भी उनके पास कोई सुझाव होगा तो निश्चित रूप से मानेंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि जब दिल्ली सरकार, हाइपोथेटिकली मान लीजिए एक जितना भी बड़ा वर्ग है जिसके घर में फ्रिज नहीं है, जिसके घर में बाइक भी नहीं है, जिसके घर में जितनी भी सुविधाएं बने, मतलब टूटा फूटा फ्रिज भी नहीं रखा हुआ जिसके घर में, इतना गरीब कोई परिवार है, उसके घर में फोन भी नहीं है, मान लीजिए उसको हम आयुष्मान योजना के तहत उसका बीमा करा देते हैं, तो दिल्ली सरकार तो उसका इलाज पहले से ही करा रही है, फिर उसको बीमा कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा देने की क्या जरूरत है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसको कहेंगे नहीं साहब आप तो आयुष्मान योजना में कवर हो गए तो आप पैसे नहीं आ सकते, तो वो जब फ्री में इलाज हो ही रहा है उसका, अननेसेसरी बीमा कंपनी को फायदा देने, मतलब केंद्र का भी पैसा है, दिल्ली सरकार का भी पैसा है, वो केंद्र सरकार का भी पैसा क्यों दिया जाए बीमा कंपनियों को भाई। बीमा जो इलाज पहले से लोगों को मिल रहा है, हम अगर हमें उस तक लिमिटेड रखना होता तब तो ठीक था। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।